सो लास्ट क्लास हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियो को स्टार्ट किया और चार सॉल्वेंसी रेशियोज को हम लोग देखे थे. एक था डेट इक्विटी पहला वाला, सेकंड हम लोग देखे प्रोप्राइटरी रेशियो, थर्ड हम लोग देखे डेट टू टोटल एसेट रेशियो एंड द फोर्थ वन वाज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. आज उन रेशियोज के ऊपर में हम लोग कुछ सम्स करेंगे. तो ये हम लोगों का पहला सम है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो. तो जैसे हम लोग सुने डेट इक्विटी रेशियो, सबसे पहला काम हम अपना डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला को लिख लेते हैं. ठीक है, डेट ऊपर में रहेगा, डेब्ट का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म डेब्ट, और इक्विटी यहां पे आपका मतलब हो जाता है, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है, अच्छा क्या क्या अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमें डेटा दिया हुआ है. क्वेश्चन, हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, 10% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड करंट लाइबिलिटीज. ठीक, तो सबसे पहला काम हम लोगों को अपना लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए. सो लॉन्ग टर्म डेब्ट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. इस क्वेश्चन में आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आ जाएगा, 10% डेबेंचर्स. डेबेंचर आपका बोरोइंग है, सो 10% डेबेंचर्स दैट इज 1,50,000 प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 25,000. दिस विल बी 1,75,000. ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म डेब्ट. अब हमको क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड का हम लोगों ने तीन फॉर्मूला डिस्कस किया था, और वो तीन में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको डेटा क्या दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में जो आपको डेटा दिया हुआ है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो डेटा इज इनफ टू कैलकुलेट द शेयर, दिस इज सफिशिएंट. क्योंकि अगर शेड्यूल थ्री को हम लोग देखेंगे तो शेड्यूल थ्री में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आता है. अज्यूमिंग कि और कोई प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर ही कैपिटल है, सो रिजर्व एंड सरप्लस मेरे को दिया हुआ है, तो मेरा शेयर होल्डर फंड shareholders fund will be equity share capital plus reserve and surplus. So ये दोनों ही डेटा आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे, 2,00,000 रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल. आई डोंट नो क्यों कोई कैलकुलेटर यूज कर रहा है इसको एड करने के लिए, कैलकुलेटर भी शर्मा जाए. 2,00,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 3,50,000, सिंपल राइट. अब मेरे पास दोनों डेटा आ गया है, तो डेट मेरा लॉन्ग टर्म डेट हम लोगों ने निकाल लिया था 1,75,000, और यहां पे हम लोगों ने निकाल लिया 3,50,000. कितना, 1,75,000 और 3,50,000, सो 2,350, सो 1:2 या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 0.5:1. ठीक है, मतलब इन दोनों ही सिचुएशन में योर डेब्ट, सॉरी योर शेयर होल्डर फंड, सॉरी योर डेब्ट इज हाफ ऑफ योर शेयर होल्डर्स फंड. क्लियर, सो और हम लोग इसको कर सकते हैं 0.5:1. इन रेशियो ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग डाउन योर रेशियो एज लोएस्ट टर्म्स में जितना ला सकते हो उतना आपको बेटर रहेगा. So, ये मेरा पहला सम. किसी को इसमें कोई डाउट है, नहीं है, क्योंकि सारे डेटा हमको दिया हुआ था, हमने सिर्फ फॉर्मूला में उसको क्या कर लिया है, प्लेस कर लिया. चलिए कॉपी कर लीजिए इसको. सेकंड सम, अच्छा ये जो सारा सम्स है ना, ये आप लोगों का टीएस गरेवाल से हम बुक से उठा करके दिए है, हम लोग स्टडी मटेरियल से नहीं है, स्टडी मटेरियल में अदर सम्स है, ये टीएस गरेवाल से इलस्ट्रेशंस, कुछ कुछ पास्ट आईएससी पास सीबीएसई के कुछ पेपर्स का क्वेश्चंस है. देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करना है. सबसे पहला चीज यहाँ पे बोला है डेट इक्विटी रेशियो निकालिए, तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूला लिखे हमको क्लैरिटी नहीं मिलने वाला है, इसलिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू फर्स्ट राइट द फॉर्मूला.
सो योर डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड, हम पूरा नहीं लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय, सॉरी डेट, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। चलिए, अब हम लोगों का काम बेसिकली यही होता है कि ये दोनों आइटम्स को कैलकुलेट करना। तो शेयर होल्डर्स फंड, अगर आप जो अपना ये देख रहे हैं ना, अपना डेटा, लिक्विड रेशियो दिया है, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंटरी, टोटल एसेट, टोटल डेब्ट। सो ये एसेट माइनस, ये मेरा टोटल डेब्ट है, हम लोग सीखे है ना, एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, और ये मेरा सेकंड फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड को निकालने का। तो शेयर होल्डर्स फंड को हम लोग एक और फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा डेटा रिजर्व सरप्लस शेयर कैपिटल वाला डेटा नहीं है, तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा जिससे पहले वाला सब में फॉर्मूला लगाए थे। यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा मेरा टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट, ये मेरा फॉर्मूला बैठेगा यहाँ पे। तो मेरा टोटल एसेट है 220,000 माइनस 160,000, विच इज इक्वल टू 60,000 मेरा शेयर होल्डर्स फंड आ गया। अब जो इस क्वेश्चन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालना। अब हम लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकाले, यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन अगर तुम देखोगे तो ये यहां के इंफॉर्मेशन से कोई हमको लॉन्ग टर्म डेब्ट डायरेक्टली नहीं बता रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको टोटल डेब्ट दिया हुआ था, ठीक है, और हमें पता है कि अगर हम टोटल डेब्ट से, मतलब मेरा कंपनी का पूरा कर्जा से, अगर हम करंट लाइबिलिटी हटा दे, मतलब शॉर्ट टर्म डेब्ट हटा दे, तो ऑब्वियसली जो बचेगा वो मेरे लिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट होगा। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना हमको, टोटल डेब्ट तो पता है ना, टोटल डेब्ट में तुम्हारा लॉन्ग टर्म डेब्ट भी है और तुम्हारा शॉर्ट टर्म भी डेब्ट भी है, तो मेरा जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है इसी में है, मेरा लॉन्ग टर्म डेब्ट इसी में है, यानी कि हमको इस 160,000 में से ही हमको अपना क्या निकालना है, लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालना है। तो अगर इसमें से हमको 160,000 में से लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालना है, ये 160,000 है, अगर हमको अपना लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है ना लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म डेब्ट प्लस सीएल प्लस लॉन्ग टर्म। तो अगर हमको सीएल पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमको क्या पता चल जाएगा, लॉन्ग टर्म। सो यानी कि इस पूरा क्वेश्चन में जो मेरा ध्यान लगना चाहिए वो है करंट लायबिलिटी निकालने में, क्योंकि जब तक ना करंट लायबिलिटी निकलेगा तब तक मेरा लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं निकलेगा। अब करंट लायबिलिटी कैसे निकाले, यहां पे जो तुमको ये दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ, यहां तो करंट लायबिलिटी निकालना मुश्किल है, लेकिन करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला में आता है। हमको पता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सीए माइनस सीएल। तो अगर वर्किंग कैपिटल हमको पता है, किसी तरह से हमको सीए पता चल जाए तो हमको क्या पता चल जाएगा, सीएल पता चल जाएगा। चलो ठीक है, अब सीए पता करने चलते हैं। तो सीए कैसे पता करें, यहां तो मेरा टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट में तो नॉन करंट भी होता है और करंट भी, और इन्वेंटरी एक तो मेरे को दिया हुआ है, इन्वेंटरी इज वन ऑफ द करंट एसेट, हम ही नहीं बोल सकते कि इन्वेंटरी ही मेरा करंट एसेट है, और भी तो इन्वेंटरी छोड़कर भी तो करंट एसेट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो, अच्छा क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट बाय सीएल। अब हम लोग ये चीज सीखे हैं, हम लोगों को पता है जब हम लोग लिक्विड रेशियो कर रहे थे तो हम लोगों को पता है कि करंट एसेट में से इन्वेंटरी अगर माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, क्विक एसेट। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, करंट एसेट इज इक्वल टू क्विक एसेट प्लस इन्वेंटरी। सो सीए इज इक्वल टू क्यूए प्लस इन्वेंटरी। अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए
हमको सीएल पता करना है तो हम बोलते हैं लेट करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स, हम सीएल को एक्स मानते हैं ठीक। और फिर हम क्विक रेशियो का फॉर्मूला को लेते हैं, क्विक रेशियो का फॉर्मूला में 1.5 by 1 इक्वल टू QA by CL, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1.5 CL इक्वल टू QA, सॉरी CL को क्या लिए थे हम लोग X, तो CL नहीं लिखेंगे, CL ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1.5 X इक्वल टू QA, सो देयरफॉर अभी फिलहाल QA मेरा कितना निकला 1.5 X। अब हमको पता है करंट एसेट जो है वो है QA प्लस इन्वेंटरी, QA मेरा है 1.5 X और इन्वेंटरी कितना है 30, तो मेरा करेंट एसेट कितना निकला 1.5 X प्लस ये है मेरा क्या करेंट एसेट्स। अब तुम पकड़ो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है कितना 60, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA, CA कितना है 1.5 X प्लस 30,000 माइनस क्या CL विच इज इक्वल टू हाउ मच X। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा X सॉल्व हो जाएगा, और X किसको माने थे करंट लायबिलिटी को माने थे, समझ में आया, यहीं पे तुम लोगों का मामला फंस रहा था। सो हमने क्या किया, ध्यान से अप्रोच समझिएगा, अप्रोच किया है, अप्रोच कुछ इस तरह से है, क्योंकि यहां पे आपको बिना करंट एसेट निकाले आप करंट लायबिलिटी नहीं जा सकते। करंट लायबिलिटी क्यों चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए हमको टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी हटाएंगे तो हमको लॉन्ग टर्म डेप्ट मिलेगा। अब करंट लायबिलिटी निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि एक मात्र इस डेटा में एक ही फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल, जिसका जिसका फॉर्मूला में सीएल आता है, तो वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल। अब हमको सीए चाहिए और सीएल चाहिए, अगेन सीए हमको पूरा टर्म्स में नहीं मिल पाएगा क्योंकि सीए में सिर्फ एक सीए दिया हुआ है इन्वेंटरी, और हमको क्विक रेशियो दिया हुआ था लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो मतलब क्यूए बाई सीएल। तो हमने क्या किया, हम जब देखे कि अगर क्विक रेशियो क्यूए बाई सीएल तो सीएम को पता है कि क्यूए प्लस इन्वेंटरी मेरा सीए होता है, सो देयरफॉर किसी तरह से हमको क्यूए निकालना है। अब क्यूए कैसे निकाले, जब तक सीएल नहीं पता रहेगा तो क्यूए भी तो नहीं निकलेगा, तो हमने क्या किया इसी को क्या मान लिया एक्स। तो जब हम इसको सीएल को एक्स माने तो जो मेरा क्विक एसेट निकलेगा वो क्विक एसेट निकलेगा मेरा इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि हमको इतना पता है कि जो मेरा क्विक एसेट है वो मेरा करंट लायबिलिटी का 1.5 टाइम्स है। अब ध्यान से समझो, मेरे को क्विक रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो का मतलब क्या हुआ क्विक एसेट बाई सीएल, और क्विक रेशियो है 1.5:1, इसका मतलब यह होता है कि जो मेरा क्विक एसेट है वो मेरा करंट लायबिलिटी का डेढ़ गुना है। तो हम करंट लायबिलिटी को अगर एक्स मानेंगे तो मेरा क्विक एसेट कितना हो जाएगा 1.5 ऑफ एक्स हो गया, ये मेरा क्विक एसेट निकल गया। अब हम अपना करंट एसेट को ले लेते हैं, दैट इज क्विक एसेट प्लस इन्वेंटरी, दैट इज 1.5 X प्लस 30,000, सो जो मेरा करंट एसेट आएगा वो मेरा ये टर्म्स में आएगा, ऐसा आएगा 1.5 X प्लस 30,000। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला को लेंगे, दिस इज माय वर्किंग कैपिटल 60,000 विच इज इक्वल टू CA माइनस CL, सो ये हो गया आपका अगेन CA, ये आपका CA है और ये आपका क्या था CL था, x अपना सॉल्व हो जाएगा निकल जाएगा, तो 60,000 कितना आ रहा है 1.5 X
माइनस एक्स कितना बचा 0.5 और यहां पे इसको ले आओ 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 0.5 60,000 सो आपका करेंट लायबिलिटी 60,000 आएगा ना कि 1,20,000 आएगा ठीक है नितेश जी सो आपका करेंट लायबिलिटी कितना आया 60,000 दिस इज योर करेंट लायबिलिटी दिस इज योर करेंट लायबिलिटी अब जब आपका करेंट लायबिलिटी निकले तो आप क्या निकाल लोगे लॉन्ग टर्म डेब्ट सो आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट हो जाएगा टोटल डेब्ट कितना है मेरा 1,60,000 मेरा टोटल कर्ज 1,60,000 है उसमें से अगर हम अपना सीएल हटा दे तो कितना बचेगा ये मेरा क्या है यही मेरा लॉन्ग टर्म डेब्ट है अब तुम डेट इक्विटी रेशियो निकाल लो लॉन्ग टर्म डेट 1,00,000 डिवाइडेड बाय शेयरहोल्डर्स फंड कितना निकाले शेयरहोल्डर्स फंड 60,000 ये है मेरा शेयरहोल्डर्स फंड और ये है मेरा लॉन्ग टर्म डेट सो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 60,000 आपका निकल जाएगा डेट कितना 0.6 is to 1 समझ में आया सो दिस इज द अप्रोच डू यू अंडरस्टूड द अप्रोच नाइस सम बहुत बढ़िया सम था ये अच्छा स्टैंडर्ड सम है आईसी स्टैंडर्ड का सम जैसा बोर्ड एक स्टैंडर्ड का सम है लेट्स कम टू द नेक्स्ट सम इस सम में हम लोगों को क्या निकालने बोला गया है प्रोप्राइटरी रेशियो का सम है लेकिन इस सम में हम लोगों को बोला गया है निकालने फिक्स एसेट्स ऑफ द कंपनी फिक्स एसेट्स नाउ हमको क्वेश्चन में प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ सो लेट अस फर्स्ट डू वन थिंग राइट द प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ अस लिख लो भैया प्रोप्राइटरी रेशियो याद है प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब प्रोप्राइटर मतलब शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर का कितना प्रोपोर्शन इन द टोटल एसेट ऑफ द कंपनी सो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स हो गया अब क्वेश्चन में बोला फिक्स एसेट निकालने तो एक चीज तो कंफर्म है अगर आपको फिक्स एसेट निकालना है तो फिक्स एसेट निकालने के लिए आपको तो टोटल एसेट चाहिए ही चाहिए थोड़ा सा शेड्यूल थ्री देखो ना भाई बैलेंस देख इसलिए कितना इंपॉर्टेंट होता है शेड्यूल थ्री या अब हम आपके एसेट वाला सेक्शन बना करके दिखा रहे हैं एसेट में याद करो ना हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं नॉन करंट करेक्ट सॉरी पहले करंट पहले नॉन करंट हाँ सॉरी हाँ पहले नॉन करेंट और उसके बाद करेंट तो करेंट वाला पार्ट छोड़ दो क्योंकि करेंट वाला करेंट एसेट वाला पार्ट में तो तुमको कोई काम ही नहीं है तुमको जो काम है क्या चाहिए तुमको नॉन करेंट नॉन करेंट सुनंदा कहाँ है तुम नॉन करेंट एसेट देखो नॉन शेड्यूल थ्री का फॉर्मूला सॉरी फॉर्मेट नॉन करेंट एसेट के अंदर में पहले सबसे क्या आता था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट याद है कि नहीं है सो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट उसके बाद अंदर में था प्रॉपर्टी प्लांट उसके बाद था इंटेंजिबल ऐसे याद है तो ये जो पोर्शन है जो पहला पोर्शन वो तो सब क्या है तुम्हारा फिक्स उसके बाद आता था नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये सब आता था तो अगर आपको फिक्स एसेट चाहिए तो फिक्स एसेट निकालने के लिए आपको टोटल एसेट पहले निकालना ही पड़ेगा या आपको नॉन करेंट एसेट एटलीस्ट निकालना पड़ेगा हाँ या ना एटलीस्ट नॉन करेंट एसेट चाहिए तो नॉन करेंट एसेट तो डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे तो पहले क्या निकालेंगे तो टोटल एसेट कैसे निकलेगा प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड पता कर लो शेयर होल्डर फंड आराम से निकल जाएगा शेयर होल्डर फंड यहां पे हो जाएगा आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना रुपया है 60,000 विच इज इक्वल टू हाउ मच 2,00,000 ये आपका निकल गया शेयर होल्डर फंड जैसे आपका शेयर होल्डर फंड निकला आप तुरंत प्रोप्राइटरी रेशियो को फॉर्मूला को इस्तेमाल करिए प्रोप्राइटरी रेशियो आपको दिया 0.8 सो 0.8 बाय 1 इज इक्वल टू 2,00,000 शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे टोटल एसेट्स
इज इक्वल टू 2 लाख बाय 0.8 कितना आता है 2,50,000 रुपए टोटल एसेट निकला। अब हम अभी फिक्स एसेट के बहुत करीब पहुंचे हैं, फिक्स एसेट आए नहीं क्योंकि ये मेरे टोटल एसेट है। मत बोलना टोटल एसेट में करंट एसेट भी होता है और नॉन करंट एसेट्स भी होता है, करेक्ट? हमको इतना पता है, ध्यान से समझ, अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल एसेट्स को बैलेंस शीट में दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट्स। इससे पहले जो मेरा फॉर्मेट था ना शेड्यूल 3 का, उसमें नॉन करंट एसेट के अंदर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, फिक्स एसेट, जिसे आप भी हम लोग फिक्स एसेट बोल करके नहीं लिखते हैं, बल्कि हम लोग क्या उसको और हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, राइट? और फिक्स के अंदर में आता था टैंजिबल और इनटैंजिबल, गुडविल वगैरह ये सब आता था। अब वही फिक्स एसेट्स को नहीं बोल करके हम लोग लिखते प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट गुडविल, ये सब हम लोग करके बनाते हैं। उसके बाद फिक्स एसेट प्लस फिर हम लोग क्या करते थे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यही था। तो अगर टोटल एसेट में से, ध्यान से समझिए, टोटल एसेट में से करंट एसेट अगर हटा दे तो क्या मिल जाएगा हमको, नॉन करंट एसेट मिल जाएगा, हो गया। और अगर नॉन करंट एसेट में से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हटा दे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, फिक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट वगैरह सब हटा देंगे तो क्या बच जाएगा मेरा, फिक्स एसेट। समझ में आया? तो इसी अप्रोच को लिए। अब यहां पे मेरा टोटल एसेट है भैया, तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल एसेट माइनस, यहां पे मेरा करंट एसेट है कि नहीं है, माइनस करंट एसेट माइनस, हम यहां पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो मेरा टोटल एसेट है 2.5 लाख माइनस करंट एसेट है तुम्हारा 30,000 और माइनस इन्वेस्टमेंट है 70,000। सो देफोर जो बचा वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, फिक्स एसेट 1,50,000। ना ये आईएससी में आया हुआ सम है, राइट? टेक्निकली शायद इस साल ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा फिक्स एसेट बोल करके नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स एसेट तो वर्ड शेड्यूल 3 में यूज ही नहीं किया जा रहा है। फिक्स एसेट वर्ड को रिप्लेस करके उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव में हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट करके ऐसे बात कर रहे हैं, तो फिक्स एसेट नहीं बोल करके तुमको दूसरे टर्म में बात कर सकता है, बट अप्रोच समझो क्या है। अब ऐसा भी हो सकता था क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दो, अगर मान लो यहां पे जो तुम्हारा करंट एसेट दिया हुआ है 70,000, अगर यहां पे करंट एसेट 70,000 नहीं देकर के यहां पे तुमको नॉन करंट एसेट दे दिया रहता और क्वेश्चन बोलता करंट एसेट निकालो, तो फिर क्या करते, टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटा दो तो क्या मिल जाएगा तेरे को, करंट एसेट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले तुमको हमेशा यह समझना है कि हम शुरुआत कहां से करें। हमको फिक्स एसेट निकालने क्वेश्चन में बोला गया है, तो फट से शेड्यूल 3 का फॉर्मेट दिमाग में आ जाना चाहिए। फिक्स एसेट किसके अंदर में आ रहा है, नॉन करंट एसेट के अंदर में आ रहा है। नॉन करंट एसेट के अंदर में फिक्स एसेट है, बड़ा बड़ा अगर कैटेगरी देखें तो फिक्स एसेट का कैटेगरी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स है, ये सब तो है, ये तो चार है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस वगैरह कुछ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो एक चीज क्लियर होगी, अगर हमको फिक्स एसेट निकालना है तो वो टोटल एसेट चाहिए। टोटल एसेट में से हम अपना ये हटा देंगे, करंट एसेट हटा देंगे तो बच जाएगा नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट वाला में से इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अदर, ये मान लिया कि लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस नहीं है, डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं है, ये जो इन्वेस्टमेंट है यही मेरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। सो नॉन करंट एसेट से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हटा दो तो तुमको पता चल जाएगा तुम्हारा फिक्स एसेट। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें डेट टू टोटल एसेट रेशियो निकालने बोला है, तो डेट टू टोटल एसेट रेशियो का मतलब क्या हुआ, डेट टू टोटल एसेट का मतलब डेट ऊपर रहेगा और टोटल एसेट नीचे रहेगा, ठीक है। सो डेब्ट का मतलब यहां पे क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, सो लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय टोटल एसेट्स, ठीक है।
अभी अपना लॉन्ग टर्म डेब्ट तो निकल जाएगा ना, ये तो तुम लोगों को सीधा निकल जाना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल टू टोटल डेब्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका, हाँ, और आपका शॉर्ट टर्म डेब्ट दिया हुआ है, करेक्ट, और अदर सीएल दिया हुआ है। अदर सीएल का मतलब क्या होता है? अदर सीएल का मतलब यहाँ पे शब्द अदर सीएल का मतलब क्या होता है? अदर सीएल का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन में अगर और भी कुछ करंट लायबिलिटी है तो उसे छोड़कर आपके पास 6 लाख रुपया का लायबिलिटी है। और आपका बोरोइंग कितना दिया हुआ था वहां पर? आपका बोरोइंग 2 लाख रुपया दिया हुआ था। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना दिया हुआ था? 2 लाख। तो देयरफोर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग अपना लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालेंगे, सो लॉन्ग टर्म डेब्ट का फॉर्मूला था लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सिंपल, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैसे निकलेगा? इस क्वेश्चन में प्रोविजन नहीं है तो हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोविजन को छोड़ देते हैं। तो यानी कि अगर मेरा लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग निकलेगा वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग मेरे लिए क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल, आपको टोटल बोरोइंग दिया हुआ था, उस टोटल बोरोइंग में से माइनस शॉर्ट टर्म बोरोइंग हटा दीजिए, ठीक है। टोटल आपका कितना रुपया था? 18। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना है? 2। तो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना निकल गया? 16। अज्यूमिंग दैट देयर आर नो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो यही मेरे लिए क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म डेब्ट, एक चीज निकल गया। अब हमको चाहिए टोटल एसेट, कैसे निकालेंगे टोटल एसेट? अरे भाई सिंपल सा चीज है, वही बैलेंस शीट में जाओ। अगेन ये बैलेंस शीट कंपनी का फॉर्मेट नहीं है, ये हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए जितना भी चीज दिया हुआ इसको बैलेंस शीट में पुट करो, फॉर्मूला अपने आप बनेगा। यहां पे शेयर होल्डर फंड है, तो शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। अच्छा, अब रिजर्व एंड सरप्लस तुमको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस किस में आता है? शेयर होल्डर्स फंड में, तो इंक्लूडेड है वो। अच्छा, टोटल बोरोइंग्स तो आप टोटल लिख दीजिए, टोटल बोरोइंग। अब जब आप टोटल बोरोइंग लिखेंगे तो आपको फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर टोटल बोरोइंग है। और इसके बाद क्या है? अदर सीएल, करेक्ट। सो बेसिकली व्हाट इज दिस? टोटल शेयर होल्डर्स फंड निकल गया, टोटल बोरोइंग विद मेरा लॉन्ग टर्म में भी है और शॉर्ट टर्म में भी है, सो मेरा नॉन करंट लायबिलिटी भी है और करंट लायबिलिटी है। तो ये वाला जो तुम्हारा पार्ट आया यही तो तुम्हारा बैलेंस शीट का टोटल है लायबिलिटी इक्विटी सेट का। तो हम लोगों को पता है बैलेंस शीट में दैट लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? एसेट्स। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो मेरा क्या निकलेगा? नहीं निकल जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो हमेशा सब चीज का फॉर्मूला आपको दिया, आपको याद करना है, नहीं आपको ऑन द स्पॉट कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द शेड्यूल 3। यू हैव टू वर्क आउट दिस फॉर्मूला, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो डेटा दिया हुआ है डेटा क्या क्या है। तो ये पूरी जो डेटा है ना, ये बैलेंस शीट का आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का पूरा डेटा है। So, आपका जो टोटल एसेट्स होगा, समझ में आया ना, ये हटा देते हैं अब हम। तो आपका जो टोटल एसेट्स होगा वो क्या होगा? शेयर होल्डर फंड 8 लाख प्लस टोटल बोरोइंग 18 लाख और प्लस अदर सीएल 6 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस को क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो इसमें इंक्लूडेड है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग को क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो टोटल बोरोइंग में है। तो ये आएगा आपका 32 लाख, ये हो गया आपका टोटल एसेट। अब आप अपना फॉर्मूला बैठा लीजिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेट अभी हम लोग जस्ट निकाले कितना, 16 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख
वाई 0.5:1 आया था ये, गुड। जिसका नहीं आया था इसको कॉपी करे, फिर सम नंबर 5 में और 6 कंप्लीट कर लीजिए। जिसका 5 हो गया वो 6 कर लीजिए। सम नंबर 5 आपको निकालने क्या बोला यहां पे, कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट, यही है ना। अगेन सो डेट टू टोटल एसेट लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, फिक्स एसेट दिया हुआ है 10 लाख और इस पे डेप्रिसिएशन कितना का है 5 लाख। तो ये आपका ग्रॉस वैल्यू है, बुक वैल्यू है, ये एक्वायर्ड एक्विजिशन कॉस्ट है और ये 5 लाख उसका नाम पे अभी तक डेप्रिसिएशन। माइनस करके नेट बुक वैल्यू आएगा 5 लाख का। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 50,000 है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 2 लाख है, करंट एसेट 2.5 लाख है, करंट लायबिलिटीज 10 लाख है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3,25,000 है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2,75,000 है। निकल गया मेरा, सो लॉन्ग टर्म डेट तो मेरा यहीं पे आ गया। एकदम सिंपल, मेरा दोनों जो हमको चाहिए लॉन्ग टर्म डेट में, दो डेटा एकदम दिया हुआ मेरे को, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है मेरे को 3,25,000 और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है आपको 2,75,000 विच इज इक्वल टू 6 लाख। So, ये तो मेरा आ गया लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब हमको क्या निकालना है, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा भाई, हमको इतना पता है टोटल एसेट्स इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या है, अगर आप लिस्ट बनाइएगा नॉन करंट एसेट्स का, तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर में आपके आ गया पहला फिक्स एसेट। अच्छा, फिक्स एसेट जो आप लोगे तो कितना लोगे, 5 लाख लोगे। उसके बाद आप लोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट NCI, आप लोग पूरा लिखना, 50,000 रुपया लोगे। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी आपका नॉन करंट एसेट्स के अंदर में आता है, कितना रुपया लोगे, 2 लाख हो गया। ये हो गया आपका नॉन करंट एसेट 5,50,000 प्लस 2 लाख, कितना हो गया 7,50,000। उसके बाद आपका करंट एसेट्स ले लीजिए कितना है 2,50,000। करंट एसेट्स है आपका डायरेक्टली दिया हुआ है 2,50,000। सो देयरफॉर आपका टोटल एसेट्स जो है, टोटल एसेट्स इक्वल टू 7,50,000 प्लस 2.5 लाख विच इक्वल टू हाउ मच 10 लाख। ये आपका टोटल एसेट निकल गया। अब आपको करना क्या है, यह है आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट और 10 लाख है आपका टोटल एसेट, डिवाइड कर लीजिए 6 लाख बाय 10 लाख आपको मिल जाएगा कितना 0.6:1। सो दिस वाज सम नंबर 5।